ओम शांति। साकार महावाक्य आजी बाबा कहते मीठे बच्चे एबे घर को जीवाकू हेब से देही अभिमानी हुआ एकमात्र बाबा को ही मने पकाओ तेबे अंतिम श्रुति अनुसारे गतिमुक्ति होइजिबो। विचित्र बाबा तुम मानू के आश्चर्यजनक रहस्य शुणाई बाबा को उत्तर हैला बाबा कहते पिला माने एहा अनादि अविनाशी ड्रामा अटे एथिरे प्रत्येकंकर अभिनय निर्धार्य होई रहिछि एथिरे जहाँ सबू हेउछि ताहा किछि भी नुआ नुहे। बाबा कहते पिला माने एथिरे मोर मध्य किछि बड़ पणिया नाही मु मध्य ड्रामार बंधन रे बंधा होइछि। एही भली आश्चर्यजनक रहस्य सुनाई बाबा जेपरी निजर अभिनयर महत्व को कम करि देउछंती। आजर गीत हैला आखिर वह दिन आया आज जिस दिन का था इंतजार। ओम शांति। मधुर संतान माने एही गीत गाउछंती पिला माने जानिछंती जे प्रतिकल्पर थरे बाबा आमको धनवान स्वास्थ्यवान संपत्तिवान करिबा पाई पवित्रता सुख शांतिर संपत्ति देवा को आसिछंती। ब्राह्मण माने आशीर्वाद देथांती आयुष्मान भव धनवान हुओ पुत्रवान हुओ एबे तुम मानकु सेही संपत्ति मिलुछि आशीर्वादर कौनसी कथा नाही। एठारे पिला माने पाठ पढ़ुछंती एवं पिला माने जानिछंती 5000 वर्ष पूर्वरु मध्य बाबा आसी आमको मनुष्यरु देवता नररु नारायण हेबार शिक्षा देथिले। जेउ माने एही पाठ पढ़ुछंती से माने जानिछंती जे आमे कौन पढ़ुछु पढ़ाउथिबा शिक्षक किए किंतु तुम मानक भितरे मध्य एही कथा को पुरुषार्थर क्रम अनुसारे जानुछंती। ए कथा तो निश्चित कहिबे जे आमे जानिछु वर्तमान राजधानी स्थापन हेउछि अथवा देवी राजधानी स्थापना हेउछि आदि सनातन देवी देवता धर्मर स्थापना हेउछि। आमे प्रथमे शूद्र थिलु पुणी ब्राह्मण हेलु पुणी देवता हेबाकु पड़िबो। एही कथाकु दुनिया रे केही भी जानि नाहंती जे एबे आमे शूद्र वर्ण अटु। एबे तुमे माने पिला माने जानुछ जे एहा हेउछि सत्य कथा। बाबा सत्य कथा सुनाई सत्य खंडर स्थापना करुछंती। सत्य जुगरे मिछ पाप आदि किछि भी रहिबो नाही। पापी आत्मा माने अछंती वर्तमान त एहा घोर नरक अटे। एही समय ही हेउछि घोर नरकर समय। मनुष्य एपरि कर्म करुछंती जहाँ द्वारा जणा पड़ी जाउछि जे एही दुनिया बिल्कुल तम प्रधान होइ चालिछि। एथि मध्यरे काम महाशत्रु अटे एथिपाई केही मुश्किल रे पवित्र शुद्ध रही पारुछंती। आगरु फकीर माने कहुथिले एपरी कलिजुग आसिबो जेउठी 12-13 वर्षर कुमारी माने संतान जन्म करिबे। वर्तमान सेही समय आसीचि कुमार कुमारी माने विकारी होइ जाउछंती। बाबा कहुछंती मु सेतेबेले आसुचि जेतेबेले दुनिया बिल्कुल तुम प्रधान हो जाउछंती। मोर मध्य ड्रामा रे पार्ट अछि मु मध्य ड्रामा रो बंधन रे बंधा होइछि। तुम मानंक पई एहा कोनोसी नुआ कथा नुहे। बाबा एही परि ही बुझाउछंती तुमे माने चक्र लगाइल एबे नाटक पूरा हेबाकू जाउछि। वर्तमान बाबांकु स्मरण करिले तुमे माने सत्व प्रधान होई सत्व प्रधान दुनिया रो मालिक होई जिवो। केते साधारण भावरे बुझाउछंती बाबा निजर अभिनय को एते महत्व देउनहंती कहुछंती ड्रामा रे मोर एही भली पार्ट रहिछि। एहा कोनोसी नुआ कथा नुहे। प्रत्येक 5000 वर्ष परे मते आसिबाकु पडुछि मु मध्य ड्रामा रे बंधाय मान। तुम पिला माननकु आसी बहुत सहज जोगर यात्रा सिखाउछंती अंतिम मते अनुसारे गति होइथाय। ए कथा वर्तमान पई कहा जाइछि एहा शेष समय अटे ना।
एथिपाई बाबा उपाय बताऊंछन्ति मते मने पकेले तुम्हे माने सत्व प्रधान होइजिबो पिला माने मध्य जानुछन्ति आमे नुआ दुनिया रो मालिक हेबु बाबा सबुबेले कहुछन्ति एहा किछि नुआ कथा नुहे एहा उपरे एक जिनर कहानी सुनै थांति ना से कहिला मते एपरि एक असरन्ति काम दियो नचेत मु समस्तंकु खाइजिबि तेणु ताकु अनवरत सीढ़ी ओल्हैबा एवं चढ़ीबाकु कहागला बाबा मध्य कहुछन्ति एहा चढ़ीबा एवं ओल्हैबार खेल पतितरु पावन पावनरु पतित हेबाकु पड़िबो एहा कोनोसी कष्ट साध्य कथा नुहे बहुत सहज किंतु एठारे केउ प्रकार युद्ध हेउछि ए कथा न बुझिबा कारणरु शास्त्ररे लढ़ईर कथा लेखि देइछन्ति वास्तवरे माया रावण उपरे विजय प्राप्त करिबा बहुत बड़ लड़ाई अटे पिला माने देखुछन्ति आमे घड़ी घड़ी बाबांकु मने पकाइछु तथापि जोग विच्युत हो जाउछि माया आत्मारूपी दीपकु लिभेइ देउछि एहा उपरे गुलबकावली कहानी मध्य रहिछि पिला माने माया उपरे विजय प्राप्त करुछन्ति एमिति बहुत संतान अछन्ति जे माने एही मार्गरे बहुत भल भावरे चालुछन्ति पुणी माया आसी दीप लिभेइ देउछि पिला माने मध्य कहुछन्ति बाबा मायार तूफान तो बहुत आसुछि अनेक प्रकाररे तूफान मध्य पिला मानंक पाखकु आसुछि केबे केबे एपरि जोररे तूफान आसुछि जे आठ दश वर्षर पुरुणा भल भल संतान माने मध्य भांगी पड़ुछन्ति पिला माने जानिछन्ति वर्णना मध्य करुछन्ति बहुत भल भल संतान जे कि माळार दाना थिले सेमाने मध्य आजि नाहन्ति उदाहरण मध्य रहिछि गजकु ग्राह खाइथिला एहा हेउछि मायार तूफान बाबा कहुछन्ति एही पांच विकार ठारु सतर्क रुह जदि जोगयुक्त होइ रहिबो तेबे मजबूत होइजिबो तेणु देही अभिमानी हुओ एही शिक्षा बाबांक ठारु थरे मात्र मिलुछि एभळी कथा केबे आउ केही कहिबे नाही जे तुमे माने आत्मा अभिमानी हुओ सत्य जुगरे मध्य एपरि कहिबे नाही एहा तुमको नाम रूप देश काल सबु मने त रहुछि एही समय रे मु तुम मानंकु बुझाउछि एबे घरकु फेरि जिबाकु हेब तुमे माने प्रथमे सत्व प्रधान थिल पुणि सत्व रज तुम अवस्था रे आसी तुमे माने पूरा 84 जन्म नेइछ एथिरे मध्य नंबर 1 हेउछन्ति ब्रह्मा अन्य मानंकर 83 जन्म होइथाए एहांक पाई पूरा 84 जन्म अटे एही प्रथमे श्री नारायण थिले मु एक कथा एहांक पाई कहुछि अर्थात बहुत जन्मर शेषरे ज्ञान को धारण करि पुणि से नारायण हेउछन्ति कल्पवृक्षरे मध्य देखैछन्ति जे एठारे अर्थात सत्य युगरे श्री नारायण एवं शेषरे ब्रह्मा रूपरे छिड़ा होइछन्ति तळे राजयोग शिखुछन्ति प्रजापितांकु केबे भी परमपिता परमात्मा कहा जीव नाही परमपिता केवल जणंकु कहा जाउछि एहांकु ही प्रजापिता कहा जाउछि एही देहधारी से हेले विदेही विचित्र लौकिक बापांकु पिता कहा जाउछि एहांकु प्रजापिता कहा जाए परमपिता परम धामरे रहंती किंतु प्रजापिता ब्रह्मा परम धामरे अछंती बोली कहा जीव नाही से तो एही साकार दुनियार होइगले ना से सूक्ष्म लोकरे मध्य नहांती प्रजापितांकु भगवान कहा जीव नाही भगवानंकर कोनोसी शारीरिक नाम नाही मनुष्यर शरीर अछि जहार नाम रखा जाउछि परमात्मा ए सबुथिरु भिन्न अटंती आत्मा माने जेतेबेले शांति धामरे रहुछंती सेतेबेले सेमाने स्थूल नाम रूपरु अलगा थांती किंतु आत्मा तो थाए ना साधु संत आदि एसबु कथा किछि भी जानी नहांती सेमाने केवल घर द्वार छाड़ी थांती बाकी दुनियार एवं विकारर अनुभवित अटंती ना किंतु छोट पिला से संबंध रे किछि हेले जानी न थाए
ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମହାତ୍ମା କୁହାଯାଏ। ତାଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚ ବିକାର କ'ଣ ଜଣା ନଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କୁହାଯାଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହେବ ତେବେ ପତିତ ତ କୁହାଯିବ ନା। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ପାଠ। ଏହି ଡ୍ରାମାର ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି। ଏହି ଚକ୍ରରେ କେତେ ଶରୀର ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ପୁଣି ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ। ପ୍ରଥମେ ଆତ୍ମାକୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ହେବ। ଏତେ ଛୋଟ ଆତ୍ମାରେ 84 ଜନ୍ମର ଅବିନାଶୀ ପାଠ ଭରି ହୋଇ ରହିଛି। ଏହା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା। ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଅବିନାଶୀ, ଡ୍ରାମା ମଧ୍ୟ ଅବିନାଶୀ, ଏବଂ ଏହା ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟେ। ଏପରି କୁହାଯିବ ନାହିଁ ଯେ କେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏହା ପ୍ରାକୃତିକ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ନା। ଡ୍ରାମା କିପରି କରାଯାଇଛି ଏଥିରେ କେହି କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେପରି ସମୁଦ୍ର ଅଥବା ଆକାଶର ସୀମାକୁ ମପା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ସେହିପରି ଏହା ମଧ୍ୟ ଅବିନାଶୀ ଡ୍ରାମା ଅଟେ। କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି, ଯେପରି ବାବା ବିଚିତ୍ର ସେହିପରି ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ବିଚିତ୍ର। ଏ କଥା କେବେ କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏତେ ସବୁ ଅଭିନେତା ନିଜ ନିଜର ଅଭିନୟ କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ନାଟକ କେବେ ରଚନା ହେଲା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ କେହି ଉଠାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଅନେକ କହୁଛନ୍ତି ବା ଭଗବାନଙ୍କର କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା ଯେ ବସି ସୁଖ ଦୁଃଖର ଦୁନିଆ ରଚନା କରିଲେ। ଆରେ ଏହା ତ ଅନାଦି ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟେ। ପ୍ରଳୟ ଆଦି କିଛି ହେଉନାହିଁ, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏପରି କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ଏହାକୁ କାହିଁକି ରଚନା କରାଯାଇଛି। ଆତ୍ମାର ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ବାବା ତୁମକୁ ସେତେବେଳେ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ବୁଦ୍ଧିବାନ ହେଉଛ। ତେଣୁ ତୁମେ ଦିନକୁ ଦିନ ଉନ୍ନତି କରି ଚାଲିଛ। ପ୍ରଥମେ ବାବା ବହୁତ କମ୍ କଥା ଶୁଣାଉଥିଲେ, ତଥାପି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଲା ସେତିକିରେ ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ତ ଥିଲା ନା। ତାହା ହିଁ ଆକର୍ଷିତ କରିଲା। ଭଟ୍ଟିର ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କଂସ ପୁରୀରୁ ବାହାର କରି ନେଇଗଲେ। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ କଂସ ଆଦି ସେଠାରେ ନଥିଲେ ଗୀତା ଭାଗବତ ମହାଭାରତ ଏସବୁର ପରସ୍ପର ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି। ବାସ୍ତବରେ ଏଭଳି କିଛି ବି ନାହିଁ। ଭାବୁଛନ୍ତି ଦଶହରା ଇତ୍ୟାଦି ପରମ୍ପରାରୁ ଚାଲି ଆସୁଛି। ରାବଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ଏକଥା କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଦେବୀ ଦେବତାମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ତଳକୁ ଖସି ଖସି ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଅଧିକ ରୂଢ଼ି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସେହିମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଯିଏ ଅଧିକ ପତିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ଡାକୁଛନ୍ତି ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ। ଏସବୁ କଥା ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଆଉ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଏହାକୁ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ। ତେଣୁ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜା ହୋଇଯାଉଛ। ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଚିତ୍ରରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଏହା ତୁମର ଐଶ୍ୱରୀୟ ଜନ୍ମସିଦ୍ଧ ଅଧିକାର। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ସ୍ଥାପନା, ଶଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ବିନାଶ, ବିଷ୍ଣୁ ଦ୍ୱାରା ପାଲନା। ବିନାଶ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ବହୁତ କମ୍ ସଂଖ୍ୟା ଲୋକ ରହିବେ। ଏବେ ତ ଅନେକ ଧର୍ମ ରହିଛି, ଏକମାତ୍ର ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ହିଁ ନାହିଁ। ପୁଣି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। ମହାଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଗୀତା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି। ଏହି ଚକ୍ର ଘୁରି ଚାଲିଛି, ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା କୌଣସି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ବହୁତ ଥର ରାଜତ୍ୱ କରିଛ। ଯାହାଙ୍କର ପେଟ ଭରି ହୋଇ ରହିଥାଏ ସେମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଗମ୍ଭୀର ରହିଥାନ୍ତି। ଭିତରେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମାମାନେ କେତେ ଥର, ଆମେମାନେ କେତେ ଥର ରାଜତ୍ୱ ନେଇଛୁ। ଏହା କାଲିର କଥା। କାଲି ଦେବୀ ଦେବତା ଥିଲୁ, ପୁଣି ଚକ୍ର ଲଗାଇ ଆଜି ଆମେ ପତିତ ହୋଇଛୁ। ପୁଣି ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱର ବାଦଶାହୀ ନେଇବୁ, ବିଶ୍ୱର ବାଦଶାହୀ ନେଉଛୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କଳ୍ପ କଳ୍ପ ତୁମେ ହିଁ ବାଦଶାହୀ ନେଉଛ, ଏଥିରେ ଟିକିଏ ହେଲେ ଫରକ ପଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ।
राजत्वरे किए कम पद पाइबे एही उच्च पद नेबे एहा मध्ये पुरुषार्थ उपरे निर्भर करुछि। तुमे जानिछ जे प्रथमे आमे मांकड़ ठारु मध्ये अधिक खराप थिलु, एबे बाबा आमकु मंदिर योग्य करुछन्ति। उत्तम संतान माने ही हृदयंगम करुछन्ति जे प्रकृतरे आमे तो किछि कामरे ही नथिलु, एबे आमे मूल्यवान हेबाकु जाउछु। कल्प कल्प बाबा आमकु मूल्यहीन रु मूल्यवान करुछन्ति। जेउ माने कल्प पूर्वरु एही सबु कथाकु बुझि पारिबे सेही माने भल भावरे बुझि पारिबे। तुमे माने जेउ प्रदर्शनी आदि करुछ ताहा मध्य किछि नुआ नुहे। ए सबु द्वारा ही तुमे अमर पुरी स्थापना करुछ। भक्ति मार्गरे देवी मानंकर केते मंदिर रहिछि, ए सबु पुजारी पणियार सामग्री अटे, किंतु पूज्य हेबा पई कोनोसी सामग्री नाही। बाबा कहुचंती दिनकु दिन तुमको गुह्य गुह्य पॉइंट्स बुझाऊछि। आगरु ढेर पॉइंट सबु तुम पाखरे लिपिबद्ध होई रहिछि, तेणु एबे कण करिब। एपरी पड़ी रहुछि वर्तमान बापदादा नुआ नुआ पॉइंट्स बुझाऊछंती। आत्मा केते छोटो बिंदु, सेथिरे समस्त पाठ भरी होई रहिछि। एही पॉइंट्स पूर्व खातारे नथिबो, पुणी पुरुणा पॉइंट्स को तुमे कण करिबो। अंतिम समयर फलाफल ही कामरे आसिबो। बाबा कहुछंती कल्प पूर्वरु मध्य तुमको एही परी सुनाई थिली, तेबे संतान माने क्रमानुसारे पाठ पढ़ुछंती। कोनोसी कोनोसी विषयरे तल उपर मध्य हेउछि। व्यापारे मध्य ग्रहाचारी बसी थाए, अर्थात खराब समय आसी थाए, सेथिरे हार्टफेल हेबारो नाही, पुणी सजाग होई पुरुषार्थ करिबाकु पड़ी थाए। मनुष्य देवालिया हेउछंती, पुणी धंदा आदि करी बहुत धनवान होई जाउछंती। एठारे मध्य केही विकारग्रस्त होई जाउछंती, पुणी बाबा कहुछंती भल भावरे पुरुषार्थ करी उच्च पद पाओ। पुणी थरे उपरकु उठिबा आरंभ करिबा उचित। बाबा कहुछंती तुमकु तळकु खसी जाउछ, पुणी उपरकु चढ़िबाकु चेष्टा कर। एपरी बहुत अछंती तळकु खसी गले मध्य पुणी चढ़िबाकु चेष्टा करुछंती। बाबा मना करिबे नाही, बाबा जानिछंती एपरी मध्य बहुत आसिबे। बाबा कहिबे पुरुषार्थ कर, तथापि किछि ना किछि सहयोगित होई जिबे ना। बाबा ड्रामार प्लान अनुसारे ही कहिबे। बाबा कहिबे अच्छा पिला माने एबे तो मन तृप्त होई गला, विकारे बहुत उबुटुबु हेलो, एबे पुनर्बार पुरुषार्थ कर। बेहदर बाबा तो एही परी कहिबे ना, बाबांक सहित मिसिबा पई केते आसुछंती। बाबा ब्रह्मा बाबा कहुछंती बेहदर बाबांक कथा मानिबो ना, पवित्र हेबो नाही। बाबा निजकु आत्मा भावी आत्मा को कहुछंती, तेणु तीर निश्चित लागिबो। धरि निय स्त्री को तीर लागिगला, अर्थात ज्ञान को हृदयंगम करिनेले, तेबे कहिबो मु प्रतिज्ञा करुछि पुरुष मानंकु एभळी तीर लागु नाही। पुणी आगकु गले तांकु मध्य उपरकु उठाइबाकु चेष्टा करिबे। एपरि मध्य बहुत आसुछंती जहांकु निजर स्त्री ज्ञानरे आणुछंती, तेणु कहुछंती स्त्री मोर गुरु। ब्राह्मण माने हातगंठि बांधिबा समयरे कहिथांती ये तुमर गुरु ईश्वर अटंती। एठारे बाबा कहुछंती तुमर एकमात्र बाबा द्वितीय केही नाहंती, समस्ते तांकु ही स्मरण करुछंती। सेही जणंक सहित ही जोग लगाइबाकु हेबो, एही देह मध्य मोर नुहे। अच्छा मीठा मीठा शिकिलधे संतान मानंक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह भरा स्मृति एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानंकु नमस्ते, आत्मिक संतानंकर मध्य आत्मिक पितांकु सुप्रभात एवं नमस्ते नमस्ते नमस्ते।
धारणा पाई मुख्य सारांश एक नंबर पॉइंट जदि कौनसी ग्रहर प्रभाव पड़ुछि अर्थात विघ्न आसुछि तेबे हतोत्साह होइ बसि जिबार नाही पुनर्बार पुरुषार्थ करी बाबांक स्मृतिरे रही उच्च पद पाइबाकु हेबो। दुई नंबर पॉइंट निजर स्थिति को जोगफल द्वारा एपरि मजबूत करिबाकु हेबो जहाँकि मायार कौनसी तूफान आक्रमण करिपारिबो नाही। विकार गुड़िक ठारु सर्वदा निजकु दूरे रखिबाकु हेबो। आजिर वरदान हेला त्रिकालदर्शी एवं साक्षीद्रष्टा होई प्रत्येक कर्म करी बंधन मुक्त स्थितिर अनुभव द्वारा दृष्टांत स्वरूप हुओ। जदि त्रिकालदर्शी स्थितिरे स्थित होई कर्म रो आदि मध्य अंत को जानी कर्म करुछ तेबे कौनसी कर्म विकर्म होई पारिबो नाही सर्वदा सुकर्म ही हेबो। सेहीपरी साक्षीद्रष्टा होई कर्म करिबा द्वारा कौनसी कर्मर बंधनरे बांधी होई कर्म बंधनी आत्मा हेबो नाही एहा कर्मर फल श्रेष्ठ हेबा कारणरु कर्म संबंधरे आसीब किंतु बंधनरे नुहे। जदि कर्म करिबा समयरे नियारा एवं प्यारा अर्थात कर्म सहित जड़ित न होई कर्म करिब तेबे अनेक आत्माक सम्मुखरे दृष्टांत स्वरूप अर्थात उदाहरण मूरत होइजिबो। आजिर स्लोगान हला जेऊ माने मनरे संतुष्ट सेही माने ही डबल लाइट स्थितिरे रहुथिबा आत्मा। अच्छा ओम शांति।